चार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शिवांश बसी। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और कल वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे का सेशन है, तो किस तरीके से ट्रेड लेना है 2 जुलाई को। सो गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे क्या बिग मूव आ सकती है या नहीं आ सकती है, क्योंकि हम देख रहे थे 3-4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और आज मुझे रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मूव आ सकती है कल एक्सपायरी वाले टाइम पे। तो कैसे ट्रेड लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, क्या टारगेट्स रहेंगे, ऑप्शंस के थ्रू काम कर सकते हैं, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ उस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना बीच में ही गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एक गिरावट जो हमने एक फॉल आते हुए देखी थी, ये रेड कलर की कैंडल जो एक फॉल आई थी, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांच कैंडल जो हम देख रहे हैं, ये पांच कैंडल एक रेंज के अंदर काम कर रही थी, ये एक पांच कैंडल हॉल्ट कर रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आज के ट्रेडिंग सेशन पे हमने ये देख पा रहे हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन पे हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है इसका। तो गाइस अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहा है, और यहाँ से हम अगर प्रीवियस टॉप की बात करें जो कि 10,530 का लेवल है, यहाँ तक ये निफ्टी कल तक जा सकती है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी सर्कमस्टेंसेस देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो उसके लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। हमें हर पॉसिबिलिटी को देखना होगा इसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने 5 मिनट का चार्ट करा हुआ है, ये एक शार्प फॉल आप देख रहे थे वो सेम शार्प फॉल है, उसके बाद जो 4 दिन रेंज के अंदर था। अब गाइस यहाँ पर मैं आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल बाय के लिए कहाँ बनता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो पॉइंट है ये लेवल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट आ रहा है, अगर हम बनाना शुरू करें तो उसके लिए हम लोग एक रेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक रेंज ले लिया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं क्या हुआ, ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक शार्प फॉल आते हुए देखी इस लेवल पे, उसके बाद इधर इसने सपोर्ट लिया, नेक्स्ट टाइम इसने यहीं पर ही सपोर्ट लिया, हमने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस, अपर लाइन जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है, और ये सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम भी यहाँ पर हुआ था, फिफ्थ टाइम 5 बार हमने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। गाइस एक बात इंपॉर्टेंट आप लोग नोट करिए, कोई भी अगर ये लाइन अगर रेजिस्टेंस की है या सपोर्ट की लाइन है, कोई भी शेयर अगर बार बार उस लाइन को टेस्ट करता है, तो गाइस वो जो लाइन होती है वो पर्टिकुलर जो सपोर्ट या एरिया होता है, ये वाला जो लाइन का एरिया है, ये एरिया हो जाता है वीक, क्योंकि मल्टीपल बार टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर जाने में से दिक्कत हो रही है, बार बार हम देखते हैं ऊपर से सेलिंग आती है और यहाँ पर ये रुक जाता है, तो ये लाइन हो जाती है वीक और इसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। सेम आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार हमने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये लाइन हो गई वीक। अब यहाँ पर इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद आप देखते हैं शेयर ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पर पहली ये लाइन क्या थी, रेजिस्टेंस की लाइन थी, अब इतने पोर्शन में ये लाइन बन गई सपोर्ट की लाइन, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब देख सकते हैं ऊपर करा नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, तो अब ये क्या कर रहा है कि अब इस पर्टिकुलर जो लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं जो कि 10,400 का लेवल है, इसको ये अभी निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है, निफ्टी अभी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 25th of June से लेके, यहाँ पर आप देखिएगा 1st of July तक, 25th of June से लेके 1st of July तक ये इस रेंज के अंदर काम करा, ब्रेकआउट दिया, एक स्ट्रांग मूवमेंट आई, उसके बाद दोबारा एक रेंज के अंदर चला गया, देख पा रहे हैं। तो दिस इज सम काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, आप देख सकते हैं अप मूव, उसके बाद एक रेंज के अंदर, जैसे इसका ब्रेकआउट आता है इस लेवल से, इसके जो टारगेट्स ओपन हो जाते हैं वो ये लेवल्स के हो जाते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये लेवल्स के इसके टारगेट्स ओपन हो जाएंगे जो कि आता है अराउंड 10,490 से लेके 10,520 के, ठीक है।
हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर एक रेंज बना देता हूँ, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिएगा ये एक रेंज है, शेयर ऊपर से नीचे आया, एक रेंज के अंदर काम करा, रेंज के अंदर काम करने के बाद रेंज का ब्रेकआउट दिया। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो गाइस रेंज का जब ब्रेकआउट आता है तो जो टारगेट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो क्या करते हैं, रेंज का 50% लेते हैं प्लस जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो रेंज, पूरा जो रेंज होता है। ठीक है, अगर मैं रेंज का 50% टारगेट भी लेकर चलता हूँ, ठीक है, रेंज का अपर साइड क्या है, 10,400 से लेकर 10,200 यानी कि 100 पॉइंट्स, तो इस लेवल से अगर मैं 100 पॉइंट्स देखता हूँ तो वो आते हैं अराउंड इस लेवल पे। ठीक है, ये लेवल पे हमें देखना है कि 100 पॉइंट्स का टारगेट है, मतलब ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, सेकेंड टारगेट सॉरी ये हमारा फर्स्ट टारगेट नहीं है, हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो प्रॉबेबली आ चुका था आज, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है गाइज वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये वाला लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि रेंज का पहला टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है जो कि अपर साइड की रेंज है। यहाँ पर आप देखिएगा अगर मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, मैं इसका कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ये इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब आप खुद देखिएगा कि इसने क्या करा, हम मार्केट को ध्यान से समझिएगा, मार्केट ने क्या करा, अभी आप देखिएगा 25th of June से लेकर अब तक की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट आज थी, क्या करा, मार्केट इस साइड खुली, हमने देखा मार्केट ऊपर गई नीचे आई, बिल्कुल तमीज से मार्केट हल्के हल्के ऊपर गई है। हम प्रीवियस डे में क्या देखते थे, प्रीवियस सेशन में हम लोग क्या देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा मार्केट क्या कर रही है, प्रीवियस सेशन में गैप डाउन ओपन हुई, पूरा ऊपर गई, फिर पूरा नीचे आई, फिर पूरा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर अगर एक रेंज में गया फिर पूरा नीचे आया, फिर एक गैप डाउन हुआ, यहाँ पर गैप डाउन हुआ, आप देख पा रहे हैं एक रिजेम्बलेंस देख रहे हैं क्या हो रहा है, कि नीचे खुल रहा है गैप डाउन तो ऊपर हल्का सा बढ़ता है फिर पूरा नीचे आ जाता है, और अगले दिन क्या होता है फिर एक गैप अप आ जाता है, वो और ऊपर जाता है, अपने हाई को ब्रेक करता है, फॉल सिग्नल देता है, पूरा नीचे आ जाता है, ये पूरे टाइम सिग्नल ऐसे काम कर रहा था इस लेवल पे आप देख सकते हो। बट आज की मार्केट पे क्या हुआ, हमने देखा कोई गैप अप कोई गैप डाउन नहीं हुआ, तमीज से मार्केट खुली, हल्के हल्के प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर गई, तो ये एक इंपॉर्टेंट संकेत था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब मार्केट पे एक सस्टेनेबिलिटी छा रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा एक रेंज के अंदर चला गया, इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, नेक्स्ट टारगेट आता है 10,500 से लेके 10,540 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में कल निफ्टी एक अच्छी अपमूव दे सकता है, तो प्रॉबेबली आप इसमें ट्रेड करके चल सकते हैं गाइस। अब यहाँ पर अगर ये दोबारा रेंज के अंदर आने की कोशिश करता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, मैं प्रॉबेबली आप लोगों को एक बार स्टॉप लॉस बता देता हूँ, आप लोगों को जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है वो रखना है 10,320 का, 10,320 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी को होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 10,500 प्लस या 10,500 तक के। ठीक है, सो हमारी निफ्टी की एनालिसिस हो चुकी है, आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग करना भी चाहें तो आप लोग 10,300 की पुट ऑप्शन को सेल भी करके चल सकते हैं, कल एक्सपायरी वाले टाइम पे 10,300 की पुट को अगर आप सेल करके चलेंगे तो वो भी आपको फायदा देकर जा सकती है। प्रॉबेबली हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने आज करा था 10,300 की पुट को सेल करके हम लोग गए थे अपने क्लाइंट्स को, प्लस हम लोग 10,300 की कॉल को बाय भी करेंगे, सो प्रॉबेबली हमारी एक हेजिंग स्ट्रैटेजी बनी हुई है, तो आप लोग कल बाय करने के बारे में मत सोचिएगा कॉल या पुट को, आप लोग कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग करने के बारे में ही सोचिएगा, पुट सेलिंग में आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी पे, तो बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल सिमिलर है ब्रेकआउट। ठीक है, 5 मिनट्स का मैंने यहाँ पर भी चार्ट ओपन कर दिया, यहाँ पर मैं आपका आपको डेली चार्ट पे लेकर जाता हूँ, तो डेली चार्ट पे भी अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पर आप खुद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसने निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने क्या करा, एक स्ट्रेट डाउनफॉल थी, ये एक स्ट्रेट डाउनफॉल आई, ये एक रेंज के अंदर चला गया शेयर, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर ट्रेडिंग सेशंस ये एक रेंज के अंदर रहा, उसके बाद हम लोगों ने देखा एक अपमूव में ब्रेकआउट दे दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ब्रेकआउट दिया है, प्रॉबेबली टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल जो कि 22,400 से लेकर 22,500 के आसपास है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट बाय बन सकता है अगर आप 22,000 एंड
40 के ऊपर बाय करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बाय बन सकता है। आज हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को इस पे 21,500 की पुट को सेल करवा रखा था 157 पे। हमारा टारगेट अराउंड 80 रुपीज़ का था जो कि आज आ गया था, बट प्रॉबेबली अगर आप लोग होल्ड कर सकते हैं तो अभी भी क्लाइंट्स अगर आप देख रहे हैं तो होल्ड पोजीशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से कल ये जीरो हो जाएगा, तो अभी भी ये 88-89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कल थोड़ी सी डिप देता है तो भी आप इस 21,500 के पुट ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये थी मेरी एनालिसिस। मैं अगर आपको 5 मिनट चार्ट पे लेकर जाऊँ तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर मैं इसकी रेंज भी फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो इसकी जो रेंज निकल के आई है गाइस, वो रेंज निकल के आई है ये लेवल, ये आप देख पा रहे हैं, ये रेंज हमें इसकी निकलते हुए देखने को मिली। उसके बाद ब्रेकआउट देखिए, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, ये लेवल पे ब्रेकआउट आया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बंद हुई। हमारा जो कन्फर्मेशन था वो कन्फर्मेशन हमें कंप्लीट तरीके से मिल गया, हमने यहाँ पर बाय पोजीशन बना दी। इस लेवल पे बाय पोजीशन बना सकते थे। जो लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ मार्केट के बारे में, उन लोगों को पता होगा कि जब ब्रेकआउट कोई शेयर देता है तो एक कैंडल जो ब्रेकआउट देती है हमें तब बाय नहीं करना पड़ता जब अगली कैंडल इसके ऊपर बंद नहीं होगी, तब तक हम बाय नहीं बनाएंगे। यहाँ बाय बना सकते हो या फिर इसके बाद रीटेस्ट करता है और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आप यहाँ पर बाय बना सकते हो। क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, बाय का हमें कन्फर्मेशन मिल गया, नीचे आया, हैमर टाइप कैंडल थी, इसके ऊपर ही वाली कैंडल क्लोज हुई, हमारे लिए बाय बन गया। स्टॉप लॉस हमारा अराउंड कहीं पर भी हो सकता था, हमारा टारगेट था जो कि मीट कर गया। अब आप खुद देख रहे हो क्या कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, तो हमारे लिए एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है, ठीक है? तो कल थोड़ी सी डिप मिलती है तो भी बाय बनाइए। मैं चाहूँगा कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ना दे, मैं क्या चाहूँगा कि प्रॉबेबली आप लोगों के लिए फ़ायदे की ये बात है, अगर गैप अप देता है तो जो हमारे पुट्स के प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, फिर आप लोगों को ट्रेड करने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैं चाहूँगा कि कल इसी रेंज में खुले 21,800-21,900 के आसपास, तो वहाँ पर हम लोग बेस्ट बाय बना पाएँ और हमारे लिए जो टारगेट्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। निफ्टी पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि 10,300 की पुट को सेल कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में आप 21,500 की पुट को सेल करके चल सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ये 25 जून से लेके अभी तक मैंने इंट्राडे में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, और आप लोगों को भी याद होगा कि मैंने आप लोगों को भी प्रोवाइड नहीं करवाया, इसके पीछे रीज़न है, मैं बिजी नहीं हूँ ये रीज़न नहीं है, इसके पीछे रीज़न है, आप खुद मैंने अभी आपको बताया मार्केट क्या कर रही है, गैप डाउन ओपन होके पूरा ऊपर जाती है, रिकवर करती है, फिर नीचे आ जाती है, तो जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे से कर नहीं रहे। तो अब यहाँ पर मार्केट ने कन्फर्मेशन रैली दे दी है, देख पा रहे हैं हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, ये आप खुद देख पा रहे हैं, ये इसने कम से कम 4 दिन बाद जाके करा है। तो यहाँ पर हमारे लिए अब कन्फर्मेशन मिल रही है कि मार्केट एक स्मूथ तरीके से चल सकती है, तो बेस्ट बाय हम लोग कल से इंट्राडे ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूँगा, कोई डाउट्स आते हैं क्लियर करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, मैं आप लोगों के रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को, और गाइस अगर आप ज़ीरोधा में भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां पर जाके अकाउंट खोल सकते हैं। सो गाइस मैं इसी के साथ आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पे, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।